हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद आलोक के इस मंच पर। मैं दिलीप तिवारी बायोलॉजी विषय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए लगा हुआ हूं, और लगातार हमारी बैच जो कंटिन्यूअसली चल रही है वो अपने इस रिदम में है, अपने तरीके से काम कर रही है। जो बच्चे जुड़े हैं वो जानते हैं किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने जरूर कर लिए हैं थोड़े मोड़े, जैसे एनिमल किंगडम का जनरल, थोड़ा सा सेल डिवीजन, सेल है ना, थोड़ा बैक्टीरिया लाइकेन ये सब कर लिया है, फंजाई कर लिया थोड़ा, तो ये चीजें थोड़ी सी हो गई हैं। लेकिन अभी भी बल्क ऑफ द कंटेंट अभी हमारा चल रहा बाकी है, और उस पर अब हम मोमेंटम शीघ्र अतिशीघ्र बनाते हैं और उसे कवर करते हैं। मगर उससे पहले आज कुछ एक टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन ब्रीदिंग मैकेनिज्म एंड प्रयास करेंगे कि इसी के साथ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इन लंग्स, वेयर वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स, इस पर भी चर्चा कर लें। और चर्चा का मतलब चर्चा नहीं, प्रिपेयर कर लें इसको। आज इस टॉपिक को हम प्रिपेयर करेंगे, जो कई बार काफी कंफ्यूजिंग होता है और हम कंफ्यूजन में चीजें आते हुए भी गलत कर जाते हैं। तो नो वे फॉर द कंफ्यूजन, जस्ट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन द डेप्थ एंड कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक। फ्यूचर में कहीं भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप काफी हद तक उसे लगा सके, ऐसा प्रयास आज आप करें हमारे साथ। और अगर ऐसे और भी सारे प्रयास करने हो तो अभी आप बहुत विलंब से नहीं हुए हैं, अभी भी आपके पास समय है। अतिरिक्त समय हमसे लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बैचेस को ज्वाइन करके, और बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में आप दे सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रीदिंग सिंपली कहती है, ब्रीदिंग मीन्स सिंपली कहते हैं ब्रीदिंग का मतलब कि एयर मूविंग इनसाइड द लंग एंड कमिंग आउट ऑफ द लंग। तो जो एयर है विथ मोर कंसंट्रेशन ऑफ O2, मोर कंसंट्रेशन ऑफ O2 ये अंदर आई, कहां, लंग्स में, और विथ मोर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ये बाहर गई, तो ये दोनों ही मिला करके ब्रीदिंग कहलाते हैं। जाहिर सी बात है इस ब्रीदिंग के दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हो गया आपका इंस्पायरेशन, हवा का अंदर आना, इंस्पायरेशन, और दूसरा स्टेप हो गया एक्सपायरेशन, हवा का बाहर जाना, है ना, सिंपल है। इन अंदर, एक्स बाहर, तो अंदर आया इंस्पायरेशन, बाहर गया एक्सपायरेशन। तो दो बातें तो यहां क्लियर हो जाए, केवल ऑक्सीजन अंदर ले जाते हो, केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो आप, ये बातें दिमाग से निकाल दें। ब्रीदिंग हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इस ब्रीदिंग की प्रोसेस में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ब्रीदिंग का मतलब श्वासोच्छ्वास है, और श्वासोच्छ्वास का मतलब है कि उस वायु का अंदर आना, उस वायु का अंदर आना जो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से युक्त है ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके, और उस वायु का बाहर निकलना जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से युक्त है, तो उसको हम एक्सपायरेशन कह लेंगे। तो दोनों मिलकर के ब्रीदिंग हो गए। अब सवाल ये होता है कि इस ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए हमारे शरीर में जो मूल अंग है, जो बेसिक ऑर्गन है, वो है
लंग्स. तो ब्रीदिंग वाया अकर्स वाया लंग्स, अकर वाया लंग्स. अब ये लंग्स के थ्रू हमारे अंदर ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है. तो ये ब्रीदिंग लंग्स के थ्रू जब होती है तो ये होती कैसे है, इसके लिए व्यवस्था क्या है? तो लंग्स क्या है, एक ऐसा चैम्बर नुमा रचना है जो थोरेसिक कैविटी के अंदर बंद है. तो लंग्स इनसाइड थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा के अंदर, थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा के अंदर ये फेफड़े हमारे उपस्थित है. अब यहां पर जो मूलभूत रूप से हमें ध्यान देनी है बात को, कि वो ये कि आखिर ये कैसे होता है. थोरेसिक कैविटी बनाती है थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर या वक्ष कक्ष जिसे कह सकते हैं, इस थोरेसिक चैम्बर का निर्माण कैसे होता है? तो थोरेसिक चैम्बर फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म बाय, फॉर्म बाय. अब कोई भी कक्ष बनेगा तो उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं दीवारें होंगी और उन्हीं दीवारों से मिलकर के उस कक्ष का निर्माण होगा. तो वक्ष गुहा के अंदर जो वक्ष कक्ष बन रहा है, थोरेसिक चैम्बर बन रहा है, उसमें पीठ की तरफ क्या होगा, डॉर्सल साइड पे क्या होगा? मैंने कभी समझा रखा था आपको, आपको ध्यान होगा कि जब आप सीधे खड़े होते हैं चार पैर पर तो आसमान की तरफ आपके शरीर का जो हिस्सा होता है वो पीठ कहलाता है. आपके पास अगला हाथ, ये पैर हैं अगले जो मॉडिफाई होके हाथ बन गए, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो थोरेसिक चैम्बर अगर बना तो इसमें डॉर्सल साइड होगा, डॉर्सल के लिए हम डी लिख लेते हैं, पृष्ठ सतह. डॉर्सल साइड पर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहेंगे ज्यादा अच्छा है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. वेंट्रल साइड पर क्या है, वेंट्रल साइड पर आपका स्टर्नम है, ठीक है, जिसे आप ब्रेस्ट बोन भी कहते हो, तो स्टर्नम यहां पर है. इसके अलावा लैटरल साइड पर, पार्श्व सिरों में लैटरल साइड पर रिब्स हैं. और अगर नीचे की तरफ देखें तो डाउन साइड पर, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में यानी कि लोअर साइड पर नीचे की तरफ आपका क्या है, डायफ्राम. ये पेट यहां से जहां से अलग होता है आपका, तो ये डायफ्राम कहलाता है, जो उधर उधर गुहा नीचे है, पेट वाला गुहा एब्डोमिनल कैविटी, और ये वक्ष गुहा ऊपर है. तो दोनों को जो अलग कर रहा हो ये डायफ्राम, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल भी है, ध्यान रखेंगे. तो लोअर साइड में डायफ्राम है, तो लोअर साइड में जो चीज है उसका नाम हो जाता है डायफ्राम. तो एनाटॉमिकली, माने एनाटॉमिकली समझते, तो एनाटॉमिकली यानी कि एनाटॉमी मतलब जो अंदर की तरफ दिखाई दे, ठीक है, आंतरिकी के हिसाब से. तो एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली ये जो चीज होती है, एनाटॉमिकली यहां पर ये ऐसी व्यवस्था होती है कि एकदम पैक चैम्बर के अंदर आपके लंग्स हैं. तो पैक चैम्बर के अंदर लंग्स हैं, उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, इस फेफड़े के अंदर से एक चीज देखने को मिलेगी कि डायफ्राम में अगर कोई परिवर्तन होगा, डायफ्राम में अगर कोई परिवर्तन होगा, या हम कहें कि हमारे थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक चैम्बर में अगर कोई परिवर्तन होगा उसके आयतन में, तो उस स्थिति में हमारे फेफड़े के आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है. वक्ष गुहा में परिवर्तन होने से हमारे फेफड़े के आयतन में भी परिवर्तन होगा. बहुत साधारण सी चीज है, कोई चीज है जो इलास्टिक है, उसको आपने गुब्बारा लिया है, उसे आपने ऐसे हाथ से दबा रखा है, समझिए गुब्बारा आपका फेफड़ा है और आपका हाथ वक्ष गुहा है जो चैम्बर है इस तरह से बना हुआ, और आपने इससे दबा रखा है, ये इतना छोटा है, जैसे ही आप इसको फैलाएंगे तो वो गुब्बारा फिर फूल के उतना बड़ा हो जाएगा. तो यही एक बात यहां ध्यान रखिएगा, दोनों के आयतन में परिवर्तन एक दूसरे की वजह से होता है. तो डायफ्राम में जो है, कहते हैं कि एनाटॉमिकली जो वॉल्यूम चेंज होता है वो दोनों का एक जैसा होता है, और ये जो आपका डायफ्राम होता है बेसिकली गुंबद के आकार का या डोम शेप्ड होता है, ठीक है. और एक बात लिख देता हूं, सेपरेट्स, सेपरेट्स
थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, दोनों को ये अलग करता है, वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का अगर चेंज होगा तो यहां पर एनाटॉमिकली एनी चेंज इन वॉल्यूम, कोई भी परिवर्तन इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स या थोरैसिक कैविटी, कॉज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी या लंग्स कैविटी, ध्यान रहेगा, बस याद रखिएगा वही गुब्बारा आपने हाथ की मुट्ठी से थोड़ा दबा रखा है, आपकी हाथ की मुट्ठी वो पिंजरा है जिसके अंदर आपका फेफड़ा रखा है। अभी और क्लियर करता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। तो पीठ की तरफ, बैक की तरफ वर्टिब्रल कॉलम सामने, यहां पर जहां मेरा माइक लगा है यहां पर, ये नीचे से आएगा थोड़ा सा, यहां से ये पूरा थोड़ी दूर तक एक हड्डी है, आप ऐसे बजा के देख सकते हैं हल्का सा। तो ये स्टर्नम, तो ये हुआ स्टर्नम, आगे ये हुआ वर्टिब्रल कॉलम। यहां से स्टर्नम से सट करके ऐसे हड्डी ऐसे घूमेगी और ऐसे पीछे पीठ की तरफ यानी वर्टिब्रल कॉलम पे जाके लगेगी, उसी तरह यहां से निकलेगी और यहां से निकल करके ऐसे ये पीठ के पीछे जा करके वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे करके ये पिंजरे जैसी रचनाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हिसाब किताब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक डायग्राम से आपको समझाने की प्रयास करता हूँ इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है, और इसको समझना बहुत ही आसान है। आयतन और द्रव्यमान, प्रेशर, दबाव, आयतन एवं दबाव का विशेष रूप से संबंध होता है। आपने एक छोटा सा नियम कभी पढ़ा होगा छोटी क्लास में, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि आयतन अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा अगर पदार्थ की मात्रा सेम है, और अगर आयतन घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब एक साइकिल के टायर में हवा है तो साइकिल के टायर का आयतन कम है, उसको कायदे से भर दिया तो वो टायर एकदम ठीक ठाक है। अब वही उतनी हवा हम मोटरसाइकिल के टायर में डाल दें, ट्यूब में डाल दें, जो भी आप कहिए, तो उस कंडीशन में वो तो आयतन उसका कम हो गया, तो उसका दाब कम हो गया तो ट्यूब उसका पिचका हुआ रहेगा टायर। ये बस इतनी सी बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हवा तो वही है, उसका आयतन कम या ज्यादा होगा और यहां पर ग्रेडियंस क्रिएट होगा, एक तरह का ग्रेडियंस क्रिएट होगा यहां पर, और उस ग्रेडियंस की वजह से सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये आपका, मान लीजिए कि ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, सपोज करिए ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और यहां पर मान लीजिए कि ये स्टर्नम है, यहां पर एक छोटा सा स्टर्नम है, ऐसे हम बना दे रहे हैं समझने के लिए, सिर्फ बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये स्टर्नम है और फिर हमने कहा कि रिब्स या पसलियां इस तरफ से निकलेंगी और इस पे जाके जुड़ेंगी, तो अब हम थ्री डायमेंशन तो है नहीं, हम डायरेक्टली दिखा देते हैं कि ये यहां से आई और ऐसे आ गई, यहां से आए ऐसे आ गए, ये सब क्या हो गए हमारे, स्टर्नम हो गए, रिब्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद अब इसका नाम भी लिख लेते हैं, ये हो गई रिब्स और ये हो गई आपकी स्टर्नम। अब यहीं पर इस रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स अवेलेबल होती हैं, पार्श्विक पेशियां कहते हैं हिंदी में, अंतरा पार्श्विक पेशियां, बाह्य पार्श्विक पेशियां, तो यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स अवेलेबल होंगी, वो जोड़े में इंटरकोस्टल मसल्स इस तरह से अवेलेबल होंगी, ये जोड़े में ही लगभग होती हैं
और लगभग एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि ये कहेंगे हम इसको सिर्फ इंटरकॉस्टल मसल्स। अंतरा इंटरनल होगी तो अंतरा और नहीं तो बही, इंटरकॉस्टल मसल्स ये हो गई। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इस तरह से जुड़ी हुई हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरीके की होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एक्सटर्नल ICM या इंटरकॉस्टल मसल्स, दूसरा इंटरनल ICM या इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, दो तरह की होंगी। और दोनों के सिकुड़ने से मांसपेशियां सिर्फ सिकुड़ सकती है और अपने वास्तविक रूप में आ सकती है। दोनों के ही सिकुड़ने से यहां पर वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होगा। ये पूरी पूरी जगह जो है वो थोरैसिक कैविटी है। अच्छा, यहाँ पे डायफ्राम भी है, वो तो रह गया था। चलिए, ये डायफ्राम है, ये मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आ गया है खिसक करके, ये हम ऐसे दिखा दे रहे हैं एरो से। अब यहाँ पर सारी चीजें क्या होंगी, हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इंस्पायरेशन के बारे में। तो ये घटना इंस्पायरेशन को लेकर के है, यानी हवा का फेफड़े के अंदर जाना, इंस्पायरेशन यानी कि एयर इनटू द लंग्स, हवा फेफड़े के अंदर गई तो इसको इंस्पायरेशन कहेंगे। अब कैसे अंदर जाएगी, सोचने की बात है, कुछ नहीं करना है। ये डायफ्राम नीचे आया तो ऊपर और नीचे की जगह बढ़ गई तो वर्टिकल वॉल्यूम बढ़ गया। ये मांसपेशियां कुछ इस तरह से सिकुड़ी कि ये जो थी ये नॉन पैरेलल थी पसलियां, ये लगभग पैरेलल हो गई तो ये वाला एरिया भी बढ़ गया तो साइड का वॉल्यूम भी बढ़ गया। अब दोनों तरह से जब ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं दोनों तरफ का आयतन बढ़ गया तो उस स्थिति में अंदर जो वायु थी उसका दाब कम हो गया, लेकिन बाहर के वातावरण में जो वायु है उसका दाब वो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तुलनात्मक रूप से। तो बाहर की हवा फेफड़े के अंदर आ गई, इंस्पायरेशन हो गया। यहां पर इस जगह पर क्या कह रहे हैं, प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम हो गया, फेफड़े के अंदर का दाब वायु का कम हो गया। अब जब फेफड़े के अंदर वायु का दाब कम हो गया तो इसको क्या कहेंगे, निगेटिव, कम होने को निगेटिव कहते हैं। फेफड़े का मामला है तो पल्मोनरी, और निगेटिव पल्मोनरी क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो निगेटिव पल्मोनरी प्रेशर क्रिएट हुआ और हवा फेफड़े के अंदर आ गई। चलिए इसी को समाकलित कर लेते हैं, इस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं कि कैसे करें कि ये चीज क्लियर हो जाए हमारी, है ना। तो इंस्पायरेशन में क्या क्या होना है पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये इनिशिएट कैसे होता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, पूरा का पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हैं तो एक लाइन यहां पर ऐड कर लीजिए कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इसको थोड़ा सा जगह देते हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म इनिशिएट विथ दो कारण होंगे जिसकी वजह से श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो होगी वो प्रभावित होगी या प्रारंभ होगी। वो दो कारण बेसिकली कौन से हो सकते हैं, तो पहला जो है वहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो निगेटिव प्रेशर होगा तो लंग्स और एटमोस्फियर के बीच में, ठीक है, ड्यू टू ग्रेडियंस ऑफ प्रेशर, एयर प्रेशर, हवा का दबाव बिटवीन
किसके किसके बीच में? बिटवीन एटमॉस्फियर एंड लंग्स. एटमॉस्फियर एंड लंग्स, ठीक है. एटमॉस्फियर और लंग्स के बीच में एक ग्रेडियंस क्रिएट हो जाएगा. ग्रेडियंस का मतलब समझते हो, किसी चीज की सांद्रता या कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम, तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ किसी चीज का बहाव होने लगता है. इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंस. क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से ग्रेडियंस क्रिएट होगा, समझ रहे हैं? तो इंस्पायरेशन के केस में ये ग्रेडियंस कैसे क्रिएट होगा वो मैंने आपको समझा दिया कि जो पल्मोनरी कैविटी है उसके अंदर अगर कोई प्रेशर का चेंज होता है तो दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है. तो यहां पर लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां लंग्स के पास क्या होता है, हैज निगेटिव पल्मोनरी प्रेशर. पल्मोनरी प्रेशर यहां पर क्रिएट होता है किसमें? इन इंस्पायरेशन. जब हवा अंदर जानी होगी तो प्रेशर घट जाएगा लंग्स के बीच में, तो यहां पर निगेटिव पल्मोनरी प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है. तो ये निगेटिव पल्मोनरी प्रेशर क्रिएट हो गया. ये सारी बातों में कौन काम कर रहा है? तो इनिशिएट विद डिफरेंस ड्यू टू ग्रेडियंस ऑफ एयर प्रेशर, ठीक है. लेकिन ये करवा कौन रहा है? ये इनिशिएट हो रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम. डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, अभी आपको पीछे बताया कि ये डायफ्राम नीचे आ गया, इंटरकोस्टल मसल्स इस तरीके से खिसके सिकुड़े कि इन्होंने इनको थोड़ा सा फैला दिया. ये दो सीढ़ियां अगर हो, जैसे मान लीजिए एक पेन है मेरे पास, ये दो सीढ़ियां हैं, अब इनके बीच में डंडियां हैं, ये डंडियां ऐसे टेढ़ी हो गई बीच की, तो ये छोटी हो गई बीच की जगह, और वो डंडियां सीधी हो गई तो बढ़ गई जगह बीच की. बस इसी तरह की बात आपके लंग्स के अंदर भी होती है. तो थोरेसिक कैविटी की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी जिससे लंग्स के अंदर यानी फेफड़े के अंदर जो होगी वो भी जगह कम ज्यादा हो जाती है. तो उम्मीद करता हूं कि एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर ये बना हुआ था, और एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर के अंदर आपके लंग्स अवेलेबल है, और यहीं पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जैसी घटना होगी. तो थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होता है कि यहां पर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और उसमें सबसे पहले क्या हुआ, डायफ्राम लोअर्स, डायफ्राम नीचे गया, और उससे क्या हुआ, वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज. दूसरी तरफ जो इसकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, खास करके कौन सी मसल्स, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, है ना. तो दोनों के बीच में जो है इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि एक एक्सटर्नल एक इंटरनल दो थी, तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ICM कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और बाहर वाला इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चीजें फैलेंगी, अंदर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चीजें सिकुड़ेंगी. तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हॉरिजॉन्टल यानी ये चौड़ाई वाला वॉल्यूम जो होगा फेफड़े का, ये जब डायफ्राम नीचे गया तो ये ऊपर से नीचे का वॉल्यूम बढ़ गया, और जब ये फैल गए तो इधर का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है. तो इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ा और हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, और जब ये हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज कर गया. टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग फेफड़े का इंक्रीज कर गया, ग्रेटर लिख के ऐसे ही लिखा है बेटा, इसको इंक्रीज समझिएगा. तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया. अब जब टोटल वॉल्यूम कहीं का इंक्रीज कर गया तो फिर प्रेशर, सो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटेगा,
उल्टा होगा, पहले ही बता दिया। तो सो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनसाइड लंग्स, इनसाइड लंग्स इंक्रीजेस, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस बेटा, डिक्रीजेस, सॉरी, लंग्स डिक्रीजेस, बट बट साइमल्टेनियसली इसी की वजह से एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर इंक्रीजेस, तो एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल प्रेशर, मेंटल एनवायरमेंटल एयर प्रेशर इंक्रीज कर गया, और बस इसीलिए चूंकि यहां प्रेशर बाहर ज्यादा हो गया तो बाहर की हवा, अंदर प्रेशर फेफड़े में कम हो गया तो बाहर की हवा नाक से होते हुए हमारे फेफड़े में चली गई। हेंस एयर फ्रॉम एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर मूव्स इनटू द लंग्स, मूव्स इनटू लंग्स, एयर वहां से फेफड़े के अंदर मूव कर जाती है। क्लियर हो गई बात, ये हो गया। अब ये इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस, एंड इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस, बस हो गया इंस्पायरेशन आसानी से। अब समझिएगा एक बात, इसको पढ़ने के बाद एक्सपायरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं रह गई, एक्सपायरेशन आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे वापस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर जो डायफ्राम है वो लोअर्स की जगह अप हो जाएगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो डायफ्राम लोअर्स की जगह गेट्स अप, ऊपर चला जाएगा, तो वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगी, एक्सटर्नल की जगह इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो जाएगी। मैंने जहां जहां जो अंडरलाइन किया हूं वहां उल्टा हो जाएगा, लोअर्स गेट्स अप, इंक्रीज डिक्रीज, बाकी एक्सटर्नल का इंटरनल, ये एक्सटर्नल इंटरनल दो है यहाँ पे, तो ये दोनों होंगे तो एक्सटर्नल की जगह इंटरनल हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज की जगह डिक्रीज, अब की बार उल्टा हो गया, फेफड़े का वॉल्यूम कम हो गया, और जब फेफड़े का वॉल्यूम कम हो गया तो ऐसे में प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो हवा बाहर निकल आई नाक से। सोच के देखो जब सांस अंदर खींचते हो तो देखो आपका फेफड़ा फैल जाता है, जब सांस छोड़ते हो तो सिकुड़ जाता है, तो दैट इज हियर। तो इस तरह से टोटल प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेस की जगह इंक्रीजेस, और फिर उस कंडीशन में बट एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, उस कंपैरिजन में कम हो जाएगा फेफड़े की तुलना में बाहर का, बाहर कोई परिवर्तन आप नहीं कर रहे, अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, तो बाहर का अपने आप एक बार बढ़ गया एक बार घट जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा इंक्रीज की जगह, ठीक है। ग्रेटर के साइन के साथ ऐसी मतलब इंक्रीज, और अगर लेस के साथ बताता हूं तो वो डिक्रीज है, आप इतना ध्यान रखें। फिर इसके बाद क्या होगा, एयर फ्रॉम एटमॉस्फियर, तो फ्रॉम एटमॉस्फियर की जगह पर लंग्स हो जाएंगे, तो फेफड़े से निकल करके कहां चले जा रहे हैं, मूव्स आउट ऑफ द लंग, इनटू की जगह आउट ऑफ लंग्स, और बस इंस्पायरेशन की जगह एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म हुआ ब्रीदिंग का, श्वासोच्छ्वास की छोटी सी क्रियाविधि हुई, जिसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कौन सा पल्मोनरी प्रेशर है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बना है, कई बार बना है, कई एग्जाम्स में बना है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है तो अब आपको दिख जाए, समझ आ गया। अब हम ये जान गए कि फेफड़े के अंदर वायु का प्रवाह होता है, हवा अंदर आती है और हवा बाहर भी जाती है। सवाल ये उठता है कि फेफड़े में जो एयर आती है और जाती है, तो इसका मतलब फेफड़े के अंदर का वॉल्यूम
परिवर्तित होता है, एयर वॉल्यूम फेफड़े के अंदर, भाई जगह का वॉल्यूम बदला तो हवा का भी वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा, ठीक है। और इसी के हिसाब से एक और चीज है, एक छोटा सा गुब्बारा है या बड़ा सा गुब्बारा है, क्षमताएं अलग अलग होंगी। छोटे गुब्बारे में भी एक लिमिट के बाद हवा भरेंगे तो फट जाएगा, और बड़े वाले में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लंग्स के पास दो प्रॉपर्टी होती है, फेफड़े के पास दो प्रॉपर्टी होती है। अब आप उस कंफ्यूजिंग पॉइंट पे जा रहे हैं जो आपको अक्सर याद करने के बाद भी भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो फेफड़े के पास दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक है वॉल्यूम्स और दूसरा है कैपेसिटीज। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स। इस छोटे से पॉइंट को आप देखें और इसे समझने का प्रयास करें, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स। प्रयास करें कि आज के बाद इसे याद न करना पड़े आपको, ध्यानपूर्वक समझेंगे। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स की बात करेंगे तो हम थोड़ा सा छोटा सा एक नंबर आपको बताते हैं कि कोई एक बंदा है, उसको आपने टायर पर बैठा दिया, कहाँ बैठा दिया, टायर पर, और चोंगा वाला फोन दे दिया और कहा बेटा 530 11 12 नंबर डायल करो। तो टी आई ई और आर, टायर पर बैठकर 530 11 12 नंबर डायल करना है। कौन कौन सा नंबर है, 505 130 और 11 12। ध्यान देना, टायर पर बैठे और 530 11 12 नंबर डायल किया, सिंपल। अब इसको हम डीकोड करते हैं, कैपेसिटीज तो ऐसे ही याद हो जाएंगी इसी की वजह से, तो पहले हम इसको डीकोड कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो 530 11 12 नंबर टायर पर बैठकर डायल किया, तो पहला क्या है, यह है टाइडल एयर वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होगी 500 ml। सबके साथ डबल जीरो लगा दो, अब सबके साथ आप दो जीरो लगा दो, काम खत्म, और सबके साथ ml लगा दो, तो 530 11 12 ml, ठीक है, ये हो गया। तो ये टाइडल वॉल्यूम था जिसकी वैल्यू 500 ml होगी। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो हवा निकलती है, आती है, जाती है, उसको आप टाइडल एयर वॉल्यूम कहते हो। कोई समस्या हो तो बताएं, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि टाइडल एयर वॉल्यूम नॉर्मल, इसका मतलब है नॉर्मल, इसका मतलब है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मल ब्रीदिंग सामान्य सांस लेने की क्रिया कर रहे हैं, एयर जो अंदर बाहर होती है वो कहलाएगी टाइडल वॉल्यूम। जो हवा नॉर्मल ब्रीदिंग में अंदर बाहर जाएगी वो 500 ml के आसपास होगी, सब में लगभग कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है इसलिए लगभग कर लीजिए, ये लगभग का साइन है मैंने बनाया, लहराता हुआ बराबर। टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, आई से इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है ही है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। तो आप नॉर्मल 500 ml को भूल जाइए, बल लगा करके, दम लगा करके, प्रैक्टिस करके, बाय ट्रायल एंड एरर, जो अधिकतम हवा सांस खींच करके फेफड़े में इकट्ठा कर सकते हैं वो कहलाएगी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड 3000 ml। 530 11 12 सबके आगे दो जीरो, तो 30 के आगे दो जीरो, 3000, तो 3000 ml के आसपास यहां पर आपकी एयर की वैल्यू हो गई जिसे आप फेफड़े में रख सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी जानकारी और रखिएगा कि कहते हैं कि ये जो 500 ml है ये कोशिश करके 6 से 8000 ml तक हो सकती है, ठीक है, इसकी मात्रा जो फेफड़े में जाती आती है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, किस तरीके का हमारा जीवनचर्या है या किस तरह की हमारी कार्यशैली है उस पर भी निर्भर करेगा।
ठीक है, हम इंस्पायर या एक्सपायर इतना तक हवा कर सकते हैं 500 ml के अलावा, लेकिन वो स्पेशल केसेस होंगे। नॉर्मल केस की बात करें तो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम 3000 ml के आसपास होगा। ठीक है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कही है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है IRV, रिजर्व एक शब्द और बीच में ऐड कर लीजिएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। मैं तो पूरा बोलता हूँ टाइडल एयर वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम, लेकिन चूंकि जो है तमाम जगह पे डायरेक्टली लिखा है तो आप उतना ही रखें। इसी तरह से ERV है, ये हुआ शॉर्टकट इसका IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये TV हो गया टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप एयर अपने मन में बोल लिया करिए, क्योंकि वॉल्यूम तो एयर का ही है। अधिकतम प्रयास करके एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, तो एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम आरवी लिख दे रहा हूं, अब आप समझ जाए आरवी का मतलब रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूरी ताकत लगा करके, 500 ml को भूल जाइएगा, ताकत लगा करके हम जितनी हवा अपने फेफड़े से छोड़ सकते हैं, ये हो गया एक्सपायरेटरी एयर वॉल्यूम। तो एयर इन बाय एफर्ट, ये मैक्सिमम एयर जो होगा बाय एफर्ट नॉर्मल एयर को छोड़ करके, एक्सेप्ट नॉर्मल एयर, और ये मैक्सिमम एयर जो हमारे फेफड़े से निकलेगा बाय एफर्ट नॉर्मल 500 ml वाले को छोड़ करके बाय एफर्ट, ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लास्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है यानी बचा खुचा, आप ये याद रखें हमेशा कि फेफड़े को न तो पूरी तरीके से खाली किया जा सकता है और ना ही पूरी तरीके से ठूंस ठूंस के भरा जा सकता है। ठीक है, अटैची बक्सा नहीं ना है कि दो ठो कपड़ा रखे, दो ठो एक्स्ट्रा दिख गया तो इसको भी रखे, पप्पू के पापा और अटैची बैठ जाओ ताकि बंद हो जाए, तो वो बैठ गए तब दबा के बंद कर लिया जबरदस्ती, वो फेफड़े के साथ पॉसिबल नहीं है, लंग्स के साथ नहीं है। उसको बहुत पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से ठूंस करके भरा भी नहीं जा सकता और पूरी तरीके से खाली भी नहीं किया जा सकता। तो जो खाली नहीं करेंगे तो बची खुची हवा होगी, बची खुची चीज को हमेशा हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, तो रेजिडुअल एयर यहाँ पर जो है रेजिडुअल वॉल्यूम जो होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब कि यहाँ पर RV रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये लगभग 1200 ml होता है। तो रिमेंड एयर, रिमेंड एयर इन लंग्स आफ्टर एक्सपायरेशन, आफ्टर एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन करने के बाद फेफड़े में जो हवा बच जाती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम की संज्ञा देते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम कैपेसिटीज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स, कैपेसिटीज ऑफ लंग्स। आपने जब वॉल्यूम्स पढ़े थे तो आपने कहा था कि टायर पर बैठकर 530 11 12 नंबर डायल किया, TIE और R, इस पे बैठ के आपने 530 11 12 नंबर डायल किया। क्या था नंबर, 500 फिर 30 फिर 11 और फिर 12। ये पूरा नाम इनका लिख लेते हैं, ये TV था टाइडल वॉल्यूम, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV और ये रेजिडुअल वॉल्यूम RV, ठीक है। और फिर सबके आगे हमने कहा जीरो भी लगा लेते हैं, ठीक है, तो दो दो जीरो सबके आगे, दो दो लड्डू दो भाई, सबको लड्डू दो। क्यों लड्डू दे, क्योंकि हम कुछ याद कर पा रहे हैं, खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, इसलिए लड्डू बांट लिया, दो दो लड्डू सबको। 530 11 12 पे डायल किया, आपका काम हो गया, आपने खुश होकर दो दो लड्डू सबको दे दिए, ठीक। चलिए अब यहां पर हमें कैपेसिटीज याद करनी है, इसी के सहारे एक एक करके कैपेसिटीज याद करेंगे। सारी दुनिया एक ही चीज में परेशान है, यदि ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता, तो ऐसा और वैसा होता तो कैसा होता है, वगैरह वगैरह। अंग्रेजी में कहते हैं इफ एंड बट, क्या कहते हैं, इफ एंड बट। तो हम यहां पर लिखते हैं इफ
आई एफ और बट को हम वी कर दे रहे हैं और टी को टी कर दे रहे हैं, इफ एंड बट, यहाँ बीच में एक छूट रहा है उसको भी ले आएंगे अभी, ठीक है। इफ एंड बट क्या है जरा देखें, आई का मतलब कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आई का मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माने हम पूरी ताकत लगा करके कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, तो पहली हवा जो नॉर्मली अंदर बाहर आती है 500 ml, दूसरी हवा जो हमारे प्रयासों के बाद हम ले सकते हैं वो होती है 3000 ml। तो यानी कि ये दोनों, पहले दोनों पहले में, यानी कि टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है, इज इक्वल टू 3500 ml, कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, दूसरे वाले में बाद के दोनों ले लीजिए, चलिए ये दूसरा है तो इसके लिए बाद के दोनों ले लेते हैं, यानी कि एफ क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, हमारे फेफड़े के काम करते रहने के लिए जो चाहिए वो फंक्शनल कैपेसिटी होती है, FRC या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है कि हमें काम करना है और उस कंडीशन में यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फेफड़े के काम करने के लिए जो हवा होनी चाहिए, तो मिनिमम हवा फेफड़े में हमेशा रहे तभी फेफड़ा काम करेगा, खाली तो कर नहीं सकते। और उसके अलावा काम करने का मतलब किसी चीज को बाहर फेंकना, निकाल के बाहर करना, असली काम तो वही है, ठीक है। तो यहां पर ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम, यानी कि ये हमारा IC था ऊपर, अलग से इनका शॉर्टकट अभी लिख लेते हैं, चलिए इसके लिए वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू क्या क्या, ERV प्लस RV, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि 1100 प्लस 1200, यानी कि 2300 ml, कोई तकलीफ कोई दिक्कत, ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लास्ट वाला तीसरा क्या है, वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम सजीव क्षमता कहते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब, वाइटल कैपेसिटी का मतलब भैया सामान्य हवा जाने दो, सामान्य हवा आने दो, और अधिकतम प्रयास करके हवा ले भी लो, अधिकतम प्रयास करके हवा छोड़ भी दो, यानी कि पहले तीन मिलकर तीसरे में आ जाएं, कितना आसान है, पहले में पहले दो, दूसरे में दूसरे दो, और तीसरे में पहले तीन, आसान है। तो फर्स्ट थ्री यहां पर ले लेंगे, ये तीनों, ये दिख रहा है, तो ये तीन यहां पर मिल करके आपका वाइटल कैपेसिटी बना देंगे। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब हो गया टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, कितना हो गया, 3500 और एक 3600, 10 4600, यानी कि 4600, तो इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी और प्लस ईआरवी, ईआरवी इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 4600 ml। ये सब लगभग है, लगभग एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ वेरिएशंस तो हो ही सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। लास्ट में है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल, अरे बाप रे पेन बदलनी थी, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी, चलिए आ जाइए, टोटल लंग कैपेसिटी, ये टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, भैया सबको जोड़ दो ना चौथे में, चारों जोड़ दो, तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब चारों जुड़ गए, ठीक है, ये ऑल फोर, तो टीवी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी और प्लस आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब ऐड कर दिया, चारों ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा भाई, 46 और ये 2, 48 और देख 58, ठीक है, देख लीजिए 5 3 8 3 2 5, तो 5800, अबाउट 5800
5800 ml लगभग, जोड़ लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन है छोटा सा, कर सकते हैं आप। तो ये हो गया कैपेसिटीज, एक कैपेसिटी बीच में छूट रही है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर हो सकती है तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी हो सकती है। अधिकतम सांस इकट्ठा करने की क्षमता जहां होगी वहां पर अधिकतम, मतलब अधिकतम सांस इकट्ठा मतलब अधिकतम वायु इकट्ठा करने की जहां बात होगी वहां अधिकतम वायु निष्कासित करने की भी क्षमता होगी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी हो सकती है एक चीज जिसको ईसी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, चलिए यहां से ले लेते हैं, तो बीच में एक छोटा सा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी, इसको बीच से हटा इसलिए दिया था कि इंस्पायरेशन होगा तो एक्सपायरेशन भी होगा, आपको याद रहेगा ही, केवल इफ बट से आप याद कर सकते हैं चारों चीजें, बीच में एक्सपायरेशन याद रखिए इंस्पायरेशन की वजह से, उसका उल्टा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब कि टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो जोड़ लीजिए यहाँ पे 500 प्लस 1100 इज इक्वल टू अबाउट 1600 ml, ठीक है। तो आपने सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को यहां पर देख लिया। अब थोड़ा सा एक दो टेक्निकल बातें समझ लो, कुछ चीजें पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए, उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं, छोटी सी बात है, बस दो चार मिनट और देखिए, हम आपका ये क्लियर कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां आ जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी, बेटा टीवी प्लस आईआरवी मतलब ये, यानी कि यहां पे आप क्या लिख सकते थे, यहां पे आप आईसी लिख सकते थे, यानी आईसी प्लस ईआरवी इज इक्वल टू, आईसी प्लस ईआरवी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। ये ऑप्शन भी याद रखना पड़ेगा, कहीं पूछ लिया वाइटल कैपेसिटी के लिए कौन सी बात सही है नहीं सही है, कौन सा वैल्यू वाइटल कैपेसिटी के बराबर है, तो आप याद कर लो कि आपने तो तीन जोड़े थे, बीच का रह गया, तो ये बीच का ऊपर वाले से निकल के चला आया। इसी तरीके से यहां पर भी देखो, टीवी प्लस आईआरवी यानी कि आईसी, और ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी क्या हो सकता है, देखो ईआरवी प्लस आरवी ये किसके बराबर है, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम किसी के बराबर है, अगर नहीं है तो आईसी के बराबर, ये तो है ये, लेकिन एक गड़बड़ है यहां पे, ये तीनों किसी के बराबर है, ए टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये तो किसी के बराबर है, कौन है, वीसी वाइटल कैपेसिटी। तो यानी आप वीसी प्लस आरवी भी लिख सकते हो, वीसी प्लस आरवी भी लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आप वीसी प्लस आरवी भी यहां पर लिख सकते हो, चलिए उसको हम लिख देते हैं अभी, ठीक है, वीसी प्लस आरवी भी यहां लिख सकते हो, क्लियर। अब इस तरीके से आपके पास कई सारे वैल्यूज आ सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों मिलकर के भी देखो किसी के बराबर है यहाँ पे, ये फंक्शनल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो ये दोनों मिलकर के भी एफआरसी को बताते हैं, ठीक है। तो ये एफआरसी भी कर लेते हैं यहाँ पर, ये मिलकर के एफआरसी, तो आईसी प्लस एफआरसी बराबर भी वो चीज हो जाती है। तो अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो इतनी बातों के साथ मुझे लगता है कि आपको वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स भी याद हो जाएंगी और उसमें एक्सपायरेशन भी समझ आ जाएगा, उसमें वहां पर क्या होगा। या ये जो पार्ट है इसको थोड़ा नीचे करते हैं तो आपको कुछ चीजें और समझ में आ जाए, ये हिस्सा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये लाइनें तिरछी हो जाएंगी, डायफ्राम ऊपर उठा हुआ दिखेगा, आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये एक्सपायरेशन की बात हो रही है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके साथ ही आप दिलीप तिवारी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी समय फिर किसी टॉपिक के साथ, और लर्निंग कंसेप्ट के लिए मैंने जैसा कहा था ट्रिक के साथ हम चीजों को याद कर सकते हैं और वैसा हमने करने का प्रयास किया, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए और शुभस्य शीघ्रम, अगर आप किसी तरह से तैयारी करने के लिए बूस्टर के हिसाब से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो अभी विलंब नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अभी भी आपके कोर्सेज पूरे कराए जा सकते हैं कुछ अतिरिक्त समय लेकर के। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।